डॉल्स मेरी हैं। डैडी फॉरेन सर्विस में थे, छोटी थी तो बहुत दुनिया देखी उनके साथ। बैठो। जी आरती जी, वो आंटी मम्मी ने नाम नहीं बताया मेरा। जी सारिका, तुम हमेशा घर के काम में क्यों लगे रहते हो? दोस्त नहीं है तुम्हारे? क्या बात है, डर लगता है मुझसे? बच्चे थोड़ी हो तुम। जी कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं। कौन? बीजी, बीजी को लगेगा। बीजी सोई पड़ी है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो भी नहीं उठेगी। जी वो सेवो की बेटी। आने में इतने दिन लगा दिए तुमने। लास्ट पेटी बची थी, सुबह सुबह खन्ना जी ने किसी को दे डाली। और आ जाएंगी मेरे शिमले वाले भाई साहब के ऑर्चर्ड से। घने हैं लड़कियों जैसे, ठीक से कोम किया करो नहीं तो कटवा लो। हेलो मम्मी। सारिका, अच्छा मुकेश को जरा बाजार भेजना है, कुछ सामान चाहिए था। कोई नहीं कोई नहीं, देख 4 घंटे कॉलेज जाने के बाद करना क्या होता है उसने। ऐवे खाली दिमाग शैतान का कर, सारा काम इसी चक्कर में सिखा रखा है उसको कि बस घर में वेला पड़ा ना रहे। और सुन, हिसाब ठीक से ले लियो। हेलो हेलो। हाँ पम्मी, चल बाद में बात करती हूँ। शॉपिंग तो बुआ जी ने सिखा दी, बाकी मैं सिखा देती हूँ। नहा लेना। नहा के आया हूँ। अच्छा, फिर भी नहा लेना। जल्दी में रहते बच्चे, गई तुम्हारी नानी। कुछ कुछ सीख गया, कुछ अभी बाकी है।
बाल कटवा लो और कुछ अच्छे कपड़े ले लेना। सारिका को सब पता था, लेकिन पहले उसने कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन अचानक, तुझे पैसे चाहिए होंगे, अब इस आंटी की हेल्प कर दे, छोटा मोटा काम है पर जरूरी है, दिल जीत ले और तेरा भी काम हो जाएगा, बात कर। हेलो जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। भाई एक मिनट। जी हेलो जी, मैं मुकेश, वो सारिका जी ने भेजा मुझे। हाँ हाँ आओ आओ। जी मेरे से नहीं होगा ये सब। क्यों नहीं होगा, यहाँ तो बहुत कुछ होता है तुझसे। ऐसे के लिए नहीं कर रहा था मैं। हुआ क्या? पहले उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, मुझे लगा ज्यादा है, फिर उन्होंने मेरे साथ, मैंने जब मना किया तो फिर उसने मुझसे तो ये सब नहीं कहा, बहुत खुश थी। उन्होंने धमकी दी कि लोगों कहेगी कि मैं जबरदस्ती घर में घुस आया हूं। मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। अच्छा, कैसा लड़का है तू? ऐसे पैसों के लिए ये सब काम करना। आप ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा मैंने रख लिया, बाकी तेरा। मुझे नहीं करना ये काम। तो क्या करेगा तू? फर्स्ट ईयर बी ए में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। चल ठीक है, मत कर, जा, और कल से यहां भी मत आना। दफाओ। एक चांस दिया था, रोते बिलखते वापस आ गए, शक्ल मत दिखाना अपनी। मुकेश, अच्छा लगता है तुझे रिश्तेदारों के घर नौकरों के जैसे रहना? हाँ इन पैसों से तू क्या कुछ नहीं कर सकता, अपनी बहनों को अपने पास बुला सकता है, पैसा कैसे आता है ये मत सोच, आता है और आता रहेगा ये जान के खुश रह। और कुछ नहीं तो सोच लो, सर्विस समझ के कर ले, सोच मत कर, दूसरों की खुशी के लिए तो वैसे भी बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने लिए कुछ कर। मैं अच्छा नहीं लगता आपको? सब अच्छा लगता है मुझे, तू भी अच्छा लगता है,
दिल्ली की सोसाइटी में शादी के लाइसेंस से जो कुछ भी मिलता है सब अच्छा लगता है। सीख गया तू सब, सिखाया मैंने, मजे सब लेंगे। नहीं, डोंट टच मी। शुरू में उनके ठीक होने का इंतजार करती थी, पता था शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। बाद में उनके मरने का इंतजार करने लगी। बिल से नहीं जाती थी मगर थक चुकी थी। महीने साल में बदल गए और साल सालों में। हर रोज इंतजार, कभी उनके मरने का और कभी ठीक होने का। आपका कोई और नहीं है? हाँ है, बेटा है, तुमसे थोड़ा बड़ा, सिंगापुर में रहता है, पैसे भेजता है वहीं से, पर आ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। हेलो, तुम चलो, अभी थोड़ी देर में सब रिलेटिव्स वगैरह आते होंगे, ठीक है? ओके। एंड लिसन, थैंक्स। मना किया था ना आने को, इतना क्या जरूरी काम है? इतना भरोसा मत कर मुझ पर। और कहाँ रखूँ, कोई भी बैंक नहीं ले रहा है। मैं 15 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। इस बैंक में तो टैक्स लगेगा,
पीजी। दरवाजा खुलने की वेट नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह उधर कर लो। रामजादी तू किधर भाग रहा है? इधर आ। बोल बोल किधर भाग रहा है? बोल बैठ इधर, चुपचाप बैठ। मुझे लगता था बुढ़िया सनक गई है, कुछ भी पकती है। फिर एक दिन मेरा माथा ठनका, मैंने सोचा कि तूने अचानक ये झिकझिक से क्यों बंद कर दी? ऐसा क्या हो गया एकदम शांत हो गई तू? हैं? तुझ पे शक तो मुझे कई दिनों से था, लेकिन आज तो गई फंस। आज तेरे सारे शौक मैं पूरे करता हूं। ओए! बैठ और बैठ के सीख। वैसे तो कुछ होता नहीं है तुमसे, इसे देख के हरकत हुई है।